at this very very carefully, India का banking racket कुछ ऐसा दिखता है, जो beggar mafias हैं, वो अपने नीचे अलग अलग locations पर controllers को तैयार करते हैं। वो controllers इन चार चीजों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को इन सारी चीजों के अंदर ढकेलने के लिए। इन बच्चों को अपने घर से बहुत दूर banking mafias या फिर terror groups को भेज दिया जाता है। और ये सब कुछ होता कैसे है? Well, स्टेप वन द स्ट्रेटजी। इन बच्चों को अपने पास लाने के लिए और उनको रोक के रखने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल होता है, ताकि इवन आफ्टर उनको पता लग जाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, तब भी वो छोड़ के जाने के बारे में कभी सोच ही ना पाए। नंबर वन, उन्हें ल्योर करना, यानी कि बच्चों को कुछ खाने का देकर या फिर कुछ कहकर फंसा लेना। नंबर टू, किडनैप कर लेना। एंड थर्ड, उन बच्चों को रेंट पर उनके माँ बाप से ले लेना। इंडिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माँ बाप को पैसे देकर उन माँ बाप से उनके बच्चों को रेंट पर ले लिया जाता है और उन बच्चों से उसके बाद ये भीख मांगने का काम करवाया जाता है। स्टेप टू, कंट्रोलिंग। और इन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए इन दो चीजों का यूज होता है। नंबर वन, थ्रेट्स। और जो बच्चे इससे भी नहीं मानते उन्हें किसी ना किसी तरीके के फिजिकल असॉल्ट का सामना करना पड़ता है, और फिर उन बच्चों को स्पेशल तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि वो इन माफियाज के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर पाए। एंड देन कम्स द लास्ट स्टेप, लोकेशन सिलेक्शन। इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको बेगर्स हमेशा उस जगह पर मिलेंगे जहां पर लोगों के पास खर्च करने के लिए कम से कम टाइम हो। एंड देयर इज अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड इट, टाइम वैल्यू इक्वेशन।